नमस्कार, वक्त हो चला है बड़ी खबरों का। आपके साथ मैं हूं अंशु, आप देख रहे हैं जोहार छत्तीसगढ़। बढ़ते कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए रायगढ़ जिले में संपूर्ण लॉकडाउन जारी है, लेकिन कुछ लोग आदेश का उल्लंघन कर अपना कारोबार चला रहे हैं। ऐसे ही एक महुआ व्यापारी पर लैलूंगा थाने में तहसीलदार JR सतरंज द्वारा FIR दर्ज करवाई है। महुआ का अवैध क्रय कर लॉकडाउन के निर्देशों का उल्लंघन करने के कारण व्यापारी पर धारा 188 269 भादवी के तहत अपराध दर्ज किया गया है। 17 अप्रैल को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लैलूंगा तथा नायब तहसीलदार लैलूंगा द्वारा क्षेत्र भ्रमण किया जा रहा था। क्षेत्र भ्रमण के दौरान अशोक अग्रवाल निवासी सुंगरपानी द्वारा ग्राम पाकर गांव स्थित श्यामलाल सिदार के रोड से लगा हुआ बरामदे में लोगों की भीड़ में महुआ खरीदी की जा रही थी। अशोक अग्रवाल के पास जसपुर जिला से रायगढ़ जिला के ग्राम पाकर गांव वाहन लाने तथा महुआ खरीदने के संबंध में कोई अनुमति नहीं पाई गई। जबकि रायगढ़ जिले में कोविड-19 महामारी के चलते 14 अप्रैल से 27 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया गया है तथा उपरोक्त अवधि में रायगढ़ जिला की सीमाओं को पूर्णतः सील रखने के निर्देश दिए गए हैं। कोविड-19 महामारी के चलते जिले में धारा 144 लागू है। अशोक अग्रवाल द्वारा अपने वाहन सोल्ड बिना नंबर के पिकअप में लगभग 50 कट्टा वजन लगभग 20 क्विंटल महुआ खरीद वाहन में लोड किया गया था तथा खरीदी भी की जा रही थी। उनके पास कोई वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। चूंकि अशोक अग्रवाल द्वारा बिना किसी वैध दस्तावेज के महुआ की खरीदी भीड़ में की जा रही थी, जो लॉकडाउन का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा था, जिसके कारण लैलूंगा पुलिस ने तहसीलदार के लिखित शिकायत पर आरोपी के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। लैलूंगा से चंद्रशेखर जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल की बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जोहार छत्तीसगढ़। नमस्कार।